हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया ही होगा शायद। पढ़ लिया होगा अपने चैप्टर्स को पूरा? सही है। हाँ सही है। चलो कल अपन शीट में 25 नंबर तक पहुंचे थे, आज चलते हैं 26 नंबर के ऊपर। हाँ यार, क्या क्या मजबूरी होगी कि सारे क्वेश्चंस एक एक कराने पड़ते हैं। ये होते थे पूछ सकते थे किसी से, अब अभी ऑप्शन ही यही है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे उसी में। तो 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास में सिंपल पेंडुलम है, जानते होंगे सरल लोलक। आहा, ये तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लोलक। सही है। इसका जो टाइम पीरियड है वो अपने पास में कितना है? T1 जब ये कहाँ पे होता है, अर्थ की सरफेस पर। और जब इसको कहाँ लेके जाते हैं अपन, अर्थ की सरफेस से किसी पर्टिकुलर हाइट, लिखा हुआ है कितनी, अर्थ की रेडियस के इक्वल ही आर हाइट पे ले जाते हैं। तो टाइम पीरियड जो होगा उसका रेशियो निकालो। तो आप में से मैक्सिमम ने पढ़ा होगा टाइम पीरियड, T1 इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा होगा कई जगह पे, ये L अपॉन G, लूंगी, ये हो गया L अपॉन G। तो आप खुद जानते हो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन जी, ग्रेविटी जो अपनी होती है, एक्सेलरेशन उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता ही करता है। अब जो सेकेंड नंबर पूछा गया है, तो अपन जानते हैं इसको, जब इसको आप किसी पर्टिकुलर हाइट पर ले जाओगे, जी है ये आपका बदल जाएगा। तो आपको पता है ये फॉर्मूला मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये जी फॉर्मूला आपने पढ़ा है कई बार, RE अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। H की जब वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, RE ये हो जाएगा 2, नीचे कितना बचेगा, तो ये जी डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, G/4। यानी कि इतनी हाइट पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G/4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, G×, ये कितना आ गया अपने पास, 4। 4 किसकी टर्म में बाहर आ जाएगा, आपके 2 की टर्म में, तो ये T2, और ये कितना बच जाएगा यहाँ पर, 2π, और ये L अपॉन में ये G। सही बात है, बिल्कुल। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, T1, तो T2 आपका कितना रेशो आपके पास आएगा, सामने दिख गया होगा 4 नंबर जो ऑप्शन है उसमें दिख रहा है। सही है। चलो ये था अपना 26 नंबर। सिंपल सी बात थी कि G/4 हो गया, और ऊपर जाएगा तो आपका टाइम पीरियड क्या होगा, चेंज होगा ही होगा। चलिए आगे चलते हैं, वो तो कितना आगे जाएंगे अपन। चलो 27 नंबर चलते हैं। पृथ्वी की सतह के पास में अर्थ है, ये है अपना 27 नंबर सेक्शन बी का। तो अर्थ की जो सरफेस है उसके पास में कोई आपका जो प्लानेट है, प्लानेट क्या है, कोई उपग्रह है, सेटेलाइट है, वो घूम रहा है। उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 4 आवर्स है। फिर इसको क्या कर दिया, पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर, 4 आवर डिस्टेंस पर पहुंचाना है। तो पहुंचाने के बाद पहुंचा दिया, बढ़िया बात है। तो उस केस में इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा आपको बताना है। तो ये अपनी आर्थ, सही है। चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट नंबर क्या है, पृथ्वी की सरफेस के बिल्कुल पास। सरफेस के लिए तो आपको शायद कहाँ नहीं याद आ जानी चाहिए, ये नियर बाई क्या हो गई, अपनी सरफेस। इस केस में आपकी जो T1 है ये आपके पास में कितना है, 4 आवर। ये डिस्टेंस जो होती है ये टोटल कितनी होती है, आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं पर, ये है R1 और ये है RE+H। सही है बिल्कुल। लेकिन दिक्कत यह है, लिखा हुआ है पृथ्वी की सरफेस के बिल्कुल पास, तो उस कंडीशन में अपन H को कितना मान सकते हैं, बिल्कुल 0। तो आपकी जो ये R1 होगी ये कितनी होगी, कैपिटल RE के, अर्थ की रेडियस के बराबर। और फिर क्या कर दिया, एक और सेटेलाइट है, इसका टाइम पीरियड आपको बताना है, यह है T2, आपको फिर फाइंड करना है। इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, ये है R2, कितनी लिखी हुई है आपके पास में, 4 आर, सेंटर से है तो ये कितनी हो गई आपके पास में, 4 RE। एक ही बात हो। अब टाइम पीरियड का कई जगह पे फॉर्मूला लिखा हुआ है अपन ने, बहुत सी जगह पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं टाइम पीरियड के, याद होना चाहिए। तो ये आ जाएगा T2/T1 = R2/R1^3/2। आ गया यार, कहीं आया, संभावनाएं कम है वैसे तुम्हारे साथ।
तो ये टी टू निकालना है तो ये कितना हो गया टी वन और ये आर टू डिवाइड बाई आर वन की पावर थ्री बाई टू। टी वन फोर है ही सही, आर टू आपके पास में कितना है ये फोर आर ई, नीचे ये अपने पास आर ई है ही सही और ये पावर थ्री बाई टू। आगे अब मैं नहीं करूँगा, खुद सॉल्व कर लें, ऐसे हम भी करेंगे सॉल्व, बिल्कुल करेंगे। आर से आर कैंसिल हो ही जाएगा, फोर का रूट कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, टू की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर थ्री आ जाएगी। आगे मल्टीप्लीकेशन खुद कर लें, टू की पावर थ्री फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर दिख जाएगा आपको। चलो मिटाते हैं इसको, मिटा दें, चलिए मिटा दिया तुमने। फर्स्ट नंबर ऑप्शन 32 सही नहीं है क्या? टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर कितना होगा 32 अप्रोक्सीमेट जो भी है। चलो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 उस पर आ जाते हैं अपन। चलिए, एक ग्रह है कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या की कितनी है टू टाइम्स, यानी कहा गया है कोई आपके पास प्लानेट है उसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस यानी उसकी कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या की कितनी है दो गुनी है। तो जो ग्रह है, जो भी आपका सेटेलाइट है, जो भी सॉरी प्लानेट है, उसका टाइम पीरियड आपको क्या करना है यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं डायग्राम। तो ये मान लीजिए ये सन है, सर सन तो कहीं लिखा ही नहीं, हमको कैसे मालूम पड़ा सन है? उसमें बातें हो रही पृथ्वी अर्थ के बारे में, वो किसी प्लानिट के बारे में बातें हो रही है वहाँ पर, और टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है। तो अपन जानते ही अर्थ और जितने भी प्लानिट्स होते हैं अराउंड दी सन क्या करते हैं, घूमते घूमते हैं। इसलिए तो कहा गया है अपने पास दो चीज़ें घूम रही है, एक तो अर्थ है ही सही, तो ये अपनी फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गई अर्थ जो इसके अराउंड क्या करती है घूमती है। तो अर्थ की अगर ये रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल ये है आर वन, ये इसकी ऑर्बिटल रेडियस बन गई अराउंड दी सन। अब आगे क्या मेंशन कर रखा है, इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की कक्षा से कितनी है दो गुनी, इसका मतलब वो यहाँ पे होगा। तो ये आर टू जो होगा ये टू टाइम्स ऑफ कितना हो गया आर वन, इसकी ये टी वन हो गया, इसके लिए कितना हो गया अपने पास टी टू। और अर्थ के लिए तो अपन जानते भी हैं कितना होता है 365 डेज होता है, तो जरूरत भी नहीं है क्रेसी, आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगेन सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करिए, टी टू डिवाइड बाई टी वन और ये आर टू डिवाइड बाई आर वन, थ्री बाई टू पावर आनी ही आनी है यहाँ पर। तो टी टू की जो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास ये कितनी हो जाएगी टी वन, यहाँ क्या लिखोगे टू आर वन, नीचे भी आर वन और ये थ्री बाई टू, इससे कैंसिल हो ही जाएगा। आगे अब स्वयं कर सकते हो, खुद भी मतलब निकाल सकते हैं, वो नहीं निकाल सकते मुझे ये देखकर। अरे यार टू की पावर थ्री कितना होता है एट होता है, एट का अंडर रूट लीजिए फिर सोल्व करिए दिख जाएगा आपको आंसर। तो इतना काम हम करेंगे तो कौन करेगा, जा बड़का है पापा से शादी कर सकते हैं बेटा, आगे कहानियाँ खुद को भी करनी पड़ती हैं, कुछ मल्टीप्लाई तो करना है टू की पावर थ्री करके, उसको कौन सा ऐसा महान काम करना है तुमको। चलिए 29 में लिखा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ आपको क्या करनी है, कुछ बातें करनी है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, शायद ये कल भी आ चुका है क्वेश्चन, सर ऐसा कैसा कन्फर्म तो मुझे भी ध्यान नहीं है, आ चुका है बिल्कुल 100%। चलो फर्स्ट नंबर है केंद्र अर्थ के लिए और अनंत दोनों पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है ज़ीरो। तो अपन जानते हैं अर्थ के सेंटर पर भी फोर्स कितना होता है ज़ीरो और इन्फाइनिट पे भी फोर्स कितना होता है ज़ीरो, कॉमन सेंस की बात है तो पता रखा अपन ने। सेकेंड नंबर आ जाइए, केंद्र पर और अनंत पर मतलब सेंटर पे और कहाँ पर है इन्फाइनिट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होता है, गलत बात है। आपको लिखा रखा है अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर होने की वजह से इसके सेंटर पे जो आपका क्या कहते हैं पोटेंशियल आएगा, लिखा रखा है फॉर्मूला -3/2gm/r, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड नंबर, सेंटर पे और इन्फाइनिट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिल्कुल इक्वल, पॉसिबल ही नहीं है, फालतू बात। सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है अब मैक्सिमम अधिकतम, पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सा करेक्ट बचा पास, फर्स्ट नंबर
अगर अपन देखें सरफेस पे, इन पे सब पे माइनस में आता है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है इसकी, इनफाइनाइट पे कितनी होती है, जीरो। ये पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन हो गया। चलो आगे 30 नंबर, 30 नंबर पे सेक्शन बी का है ये, 30। ये अपना 30 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, इसमें करा चुका हूँ मैं पहले भी। अर्थ रोटेशन करती है, अच्छी बात है बहुत। अब ये पूछा गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे रखे होने पर इसकी आपको एंगुलर स्पीड जो है ये आपको बतानी है, यानी कोणीय चाल क्या करनी है बतानी है, कि उसका जो वेट है वो कितना हो जाए, 3/4। तो आपको शायद याद होगा ये अर्थ है और ये अपन जानते ही हैं इक्वेटर। वो कह रहा है कि इसको अब कितनी स्पीड से अपन क्या कराएं, घुमाएं घुमाएं घुमाएं, घुमाओ भाई, तो इतनी स्पीड से घुमाएं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसका वेट अपना जो प्रेजेंट टाइम का जो वेट होता है उसका कितना हो जाए, 3/5। तो वेट डिपेंड किस पे करता है, ग्रेविटी के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इस जगह पर आपकी जो ग्रेविटी है वो जी डैश वो कितनी हो जाए, 3/5 हो जाए, समझ गए। अब रोटेशन वाली बात आ रही है, तो रोटेशन वाली बात में क्या करेंगे, इसको निकालेंगे अपन और सोल्व करेंगे। रोटेशन के लिए फॉर्मूला कितना होता है, जी डेस इक्वल टू जी माइनस में ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा। कॉस का तो कोई मतलब ही नहीं बचा है क्योंकि इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो फॉर्मूला क्या बचेगा लास्ट में, जी डेस इक्वल टू जी माइनस में ये ओमेगा स्क्वायर आर ई। क्या निकालना है, कुछ और मत निकाल देना, या सवाल में दिमाग लगाओ क्या निकालना है। निकालना ये है ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 3/5 सही है, माइनस में ये ओमेगा स्क्वायर आर ई। सोल्व कर सकते हो, एक लाइन और कर देता हूँ मैं, इसको उठा के लाइए तो ये माइनस में जी और ये माइनस में ओमेगा स्क्वायर आर ई, यहाँ से लेके जाएंगे तो 4g5 बच जाएगा, फिर 4g5 किसके अंदर, माइनस के अंदर, और माइनस में ये ओमेगा स्क्वायर आर ई। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका डिवीजन कर दो, 4g/5 आर ई। ओहो अब इसका हम क्या करें, सोल्व करो बेटे बेटे, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास में, ये अंडर रूट में 4g/5 आर ई। अब तो सोल्व तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तो वैल्यूज रखिए और सोल्व करिए, गुणा भाग आते हैं। और वैसे भी याद होना चाहिए अंडर रूट में g/re की वैल्यू अप्रोक्सीमेट शायद 1/800 होती है, गुणा भाग करो उसी को, सिंपल है, रख दिया वैल्यू आ गई आपके पास में। चलिए ये कौन सा था, 30 नहीं था यार ये, मैं सॉरी 31 कर गया बाई कन्फ्यूजन, ये था अपना 31 सही है। अब जो 30 नंबर है सेम ये का ये क्वेश्चन है, सही है, मैंने कहा ना g/re की वैल्यू उसमें ऊपर आ जाती है, ये तो निकालो बैठे बैठे करके आराम से, 6400 मत करो। अब करते हैं अपन 30 में भी सेम टू सेम यही काम करना है, चलो उल्टा हो गया हो। 30 में क्या है, वेटलेस कंडीशन आ जाना चाहिए, बाहर हीनता कितनी होनी चाहिए अपने पास में, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो टर्म लिखी हुई है जी, ये कितना होना चाहिए, 0। तो ये 0 जी माइनस में ये ओमेगा स्क्वायर किसके अंदर है, ये 30 के अंदर, उठा के ले आइए तो ओमेगा स्क्वायर अब इक्वल टू जी अपॉन ये कितना हो जाएगा आर ई। तो ये कितना बच जाएगा अंडर रूट में g/re, इसलिए मैंने कहा था आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। g की वैल्यू रखिए 10, इसके रखिए 6400, तो 1/800 समथिंग आ जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से की जा सकती है, बैठे बैठे सोल्व करो मस्त, खूब टाइम है आजकल। चलो आगे आते हैं अपन 32 के ऊपर, 32 में मेंशन है एक ग्रह है अपने पास में जिसका आकार पृथ्वी के आकार के बराबर, ये भी अच्छी बात है, द्रव्यमान पृथ्वी से 4 गुना है, ये भी बहुत अच्छी बात है।
पर 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को ऊर्ध्वाधर 2 मीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य होगा? तो आपके पास में देखो दर्शन प्रदर्शन है, ये अपने पास में एक अर्थ है, मतलब एक प्लानेट है, अर्थ नहीं है, और ये इसकी कोई रेडियस है, ये है अपने पास में आर, और ये है इसके पास में मास एम। यहाँ कोई पार्टिकल रखा हुआ है स्मॉल एम, कितने केजी का? 2 kg का। इसको कितनी हाइट तक लेके जाना है अपन को? कुछ लिखा है इसमें 2 मीटर आपको ऊपर इसको लेके जाना है। कितना लेके जा रहे हैं? बहुत कम लेके जा रहे हैं भैया। एच इक्वल टू 2 मीटर आपको लेकर जाना है। बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हैं, 2 मीटर लेके जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क है पूछा गया है, तो अमाउंट ऑफ वर्क इस कंडीशन में जो आएगा, तो मैंने पहले भी कहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? वर्क। तो इतनी सी हाइट के लिए फॉर्मूला अगर आपको याद हो, संभावना वैसे बहुत कम होती तुम्हारे साथ में कोई चीज़ याद होने की, एन जी एच 1 प्लस में एच अपॉन आर ई, ये नेगलिजिबल अमाउंट कितना बचता है? एम जी कई बार पढ़ा हुआ है एम जी एच, तो ये हो गया एम जी एच। एम भी तुमको पता कौन सा एम है? ये वाला एम, स्मॉल एम सॉरी, जिसको लेके जाना है। तो ये एम जी एच, एच भी दे रखा है, जी कहाँ से लाए, तो उसने कंडीशन दे रखी है। इसकी जो रेडियस है ये इक्वल है किसके? अर्थ की रेडियस के। लेकिन 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 इसका जो मास है वो अर्थ से कितना है? इसका जो मास है ये 4 times है किससे? अर्थ की मास से। तो इसके लिए जी की वैल्यू अलग आएगी, तो जी जो है आपको ही निकालना पड़ेगा। कितना होगा इसके लिए? जी एम अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4gme अपॉन आर ई स्क्वायर, यानी इसके लिए जी की जो वैल्यू आएगी वो 4 times होगी किसके? जी ई के। सही है। तो आपका जो है इसके लिए जो जी आएगा, तो एम तो आपके पास में 2 है ही सही, ये 4, अर्थ के लिए जी कितना होता है? ये 10 होता ही है। एच आपकी कितनी है? एच भी कितना है? ओनली 2 kg, तो ये 2। आगे तो आप जानते ही हो, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो 8 into 2 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 160 joule। सही है। इसकी कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल सवाल ये था कि इसके लिए आपको जी निकालना था और जी के बाद में वर्क। तो अर्थ के कंपैरिजन में चेंज कर लिया इसको, तो कितना है? 4 times आ गया। तो इसके लिए जी आपने क्या कर लिया? निकाल लिया। फॉर्मूला अपन जानते हैं एम जी एच, तो आगे आप समझ गए। सही है। चलिए ये था सेक्शन जो बी है उसका 32। चलिए अब जो आते हैं सेक्शन नंबर सी पर, सी। चलिए चलते हैं भैया सी के ऊपर, चलो मिटाते हैं इसको। क्या करें ना करें, चलो सेक्शन सी में अगर दिख भी रहा होगा तो लिखा भी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा और गुरुत्वीय विभव। तो इस पर भी बहुत सिंपल 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 से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, ये इसलिए है ताकि दिमाग में घुसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक? उसकी 3 गुना ऊंचाई तक। मतलब आपको जो फर्स्ट नंबर है सेक्शन सी का, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको कितनी ऊंचाई तक लेके जाना है? 3re, h इक्वल टू 3re तक लेके जाना है, लेके जाना है, लेके जाना है। तो क्या निकालना है आपको? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला अगर याद है आपको, ये अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा है मैंने, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, सवाल में करा भी चुका हूँ पुराने वीडियोस के अंदर, फॉर्मूला याद है लिखिए। तो जब यहाँ लिखोगे तो ये एम जी एच, इस एच की जगह क्या लिखेंगे अपन? ये 3re, और 1 प्लस में ये कितना हो गया? 3re अपॉन 3/4 दिख गया होगा ऑप्शन में सेकंड नंबर। सही है। 3 ऊपर रह गए, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा? 4। 3/4 mgr। सही है। ये 30 सेक्शन सी का फर्स्ट नंबर, बड़े आसान सवाल है, ये भी नहीं होते हैं एग्जाम में आते हैं जो। आगे सेम क्वेश्चन अगेन, फिर आ गया वापस अगेन। तो सेम फॉर्मूला अगेन अप्लाई करिए, किसके लिए? इसके लिए। बस कंडीशन क्या दे रखी है कि एच की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एन आर ई। अगेन फॉर्मूला सेम, ये एम जी एच अपॉन
वन प्लस में कितना हो गया एच अपॉन आर ई, एच की जगह क्या प्लेस करना है तुमको यहाँ पर, तो एम जी आर ई और ये एन हो जाएगा, वन प्लस में कितना बच जाएगा यहाँ पर एन, काउंस हो गया यहाँ रखेंगे एन आर ई, आर ई सारी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा वन प्लस एन, दिख रहा है अपने को फोर्थ नंबर अपना ऑप्शन, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर। चलिए मिटा देते हैं इसको भी, हाँ मिटा दिया, मिटा दिया, कुकर में चने चढ़ा दिए वैसे मिटा दिया है, क्या है, आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। अर्थ का मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, वन के जी का मास है, उसको कहाँ से अर्थ की सरफेस से कहाँ लेके जाना है, अर्थ की सरफेस से कहाँ लेके जाना है, कहाँ कहाँ कहाँ, वन के जी के मास को इनफाइनाइट तक लेके जाना है, तो इनफाइनाइट तक ले जाने में कितना आपको वर्क करना पड़ेगा, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है एस्केप वेलोसिटी, तो ये अपनी क्या हो गई अर्थ, ये इसकी रेडियस है आर और ये कितना हो गया मास, यहाँ पे ये एम इक्वल टू वन के जी का, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, उठा के कहाँ लेके जाओगे इसको, इस पॉइंट से कहाँ तक, इस पॉइंट बी तक, ए से बी तक आपको लेकर जाना है, तो ले जाओ भाई तुम्हारी इच्छा है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो आपको बता रखा है मैंने जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ होती होते हैं अमाउंट ऑफ आपको वर्क करना पड़ता है, यहाँ कितनी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी होती है, यहाँ अगर आपको याद आ जाए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी, माइनस में जी एम ई, ये तो वन टू वन हो ही गया, ये कितना हो गया आर ई, इतना अमाउंट ऑफ आपको क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा, प्लस के अंदर देनी पड़ेगी, देनी जी एम ई अपॉन आर ई, इतना अमाउंट ऑफ वर्क दीजिए तो आपको दिख गया होगा ऑप्शन के अंदर सेकेंड नंबर ऑप्शन, सही बता रखा है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी नेगेटिव में है उतना अमाउंट ऑफ, अगर ये चीज़ वहाँ देखी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो पढ़ा होगा वहाँ कई जगह पे, 13.6 होती है किसके अंदर माइनस में, परमानेंट कहाँ भेजना है इनफाइनिट में, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस में 13.6, आयनाइजेशन आयनन पढ़ा है मैं ही बता चुका हूँ कई बार। चलिए आगे आते हैं अब फोर्थ नंबर पे, गोलीय कोश मतलब एक होलो स्फेरिकल शेल है आपके पास में, उसके अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, मतलब एक खोखला, अगर खोखला है होलो 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 होलो, तो उस होलो के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, अंदर जीरो जीरो जीरो, अंदर मास ही नहीं होता, जब अंदर कुछ ही नहीं है तो क्या करना है, कुछ पहन के अंदर की बात होगी नहीं फिर। आगे फिफ्थ नंबर अगेन फिर आ गया, देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी करके निपटे हैं, कितना अमाउंट ऑफ पोटेंश एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, तो फॉर्मूला पड़ा 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 फिफ्थ नंबर के अंदर, एम जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई लगाइए, इसमें एच की वैल्यू क्या दे रखी आर, रख दीजिए इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारे पास, तो खुद करें इसको आ जाएगा थर्ड नंबर। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता कई बार, एक सिक्स नंबर है सेक्शन सी का, सिक्स नंबर में क्या दे रखा है आपको, तीन पाथ दे रखे हैं, सोचने की जरूरत नहीं, वो लाइन में कई बार बोल चुका हूँ पहले भी, एक आपका जो पार्टिकल है उसको आप ए से कहाँ लेके जा रहे हो, सॉरी ए से कहाँ लेके जा रहे हैं अपन, बी तक लेके जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये पूछा गया है इसमें जो वर्क है फर्स्ट नंबर पाथ में, सेकंड नंबर पाथ में और थर्ड नंबर पाथ के अंदर, तो जो ये अमाउंट ऑफ वर्क है, अमाउंट ऑफ वर्क ये कैसे होंगे, तो आपको पता ही है जो फोर्स होता है कौन सा वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मैंने भी कहा है पोटेंशियल पढ़ाते समय, कंजर्वेटिव फोर्स है ये, संरक्षी बल, और संरक्षी बलों में किया गया कार्य कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और वैसे भी देख लो तीनों केसेस के अंदर क्या आपका क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल है, तो दिमाग लगाना, सिंपल ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में डिपेंड नहीं करता, तो सारे जितने भी वर्क आएंगे कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। चलिए सेवंथ नंबर, ये भी मैं नहीं करूँगा, क्या पूछा गया है, अर्थ की सरफेस से 32 किलोमीटर आपको क्या जाना है, ऊपर जाना है, तो वैल्यू ऑफ जी क्या करनी है आपको बताना है, तो फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, भूल जाते हैं अपन बार बार, एच की वैल्यू कितनी है, ओनली जस्ट 32 किलोमीटर, तो फॉर्मूला होता है कम हाइट के लिए जी डेस इक्वल टू जी वन माइनस ये 2h अपॉन आर ई, इसमें वैल्यू प्लेस करिए और सोल्व करिए, वैल्यू प्लेस करिए और सोल्व करिए, एच की वैल्यू 32 या 6400 कट जाएगा, नीचे बचेगा वन, करो दसी पास। चलिए सही है, और एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो डिस्टर्बेंस आ रहा है,
इसको क्लियर करते हैं पहले। चलो अभी इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ ख़त्म करते हैं, कुछ इमरजेंसी हो गई, थोड़ी देर बाद वापस शुरू करते हैं।